अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी घी। मैं घर के मक्खन के साथ आपको देसी घी बनाना सिखाऊंगी। मैं पतीले के अंदर मक्खन डाल रही हूँ। इसे इंतहाई धीमी धीमी आँच पे हम इसे गर्म करेंगे। मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे हम। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, इससे जिन बाहर आ जाएगा और चूल्हे पे गिर जाएगा सारा, इसलिए हम इसे हल्की हल्की आंच पे गरम करेंगे। नाज़रीन, मक्खन हमारा मेल्ट हो रहा है अभी, ये अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ तो इसके अंदर इसे भी हम पकाएंगे। हमारे घी को बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। इसको बनाने के दो तरीके हैं। अगर आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप आटा डालते जाएं और ये जल्दी ही ऊपर आ जाएगा घी इसका। अगर आप आराम से बनाना चाहते हैं तो इसे ऐसे हल्की हल्की आँख में बटने दें, ये खुद ही और घी इसके ऊपर आ जाएगा। तो साथ साथ इसके चम्मच लाते रहें। इसे पकने में भी कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे ताकि घी हमारा जल्दी बन जाए। फिर हमें इससे हमारा घी जल्दी ऊपर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा जानी इसी जो आटा मैं डाल रही हूँ इसी के आटे के साथ मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनाना भी सिखाऊंगी, जो आपने पहले कभी नहीं खाया। वैसे आप खट्टा मीठा हलवा भी कह सकते हैं। हमने आटा डाला है, घी हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। आपको ज़रूरत महसूस हो तो ऐसे कर दे कि थोड़ा थोड़ा आप आटा डालते जाएं तो ये आपका पकता जाएगा और बहुत जल्दी हमारा घी तैयार हो जाएगा। खालिस देसी घी, इसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत होगी। मैं इसके अंदर और आटा डालूंगी। आप चलाते जाइए कि ताकि इसके आटे की गुठलियां ना बने। ये देखिए घी हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। इसके बाद खालस हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने इसके अंदर आटा डाला था उसके साथ मैं आपको हलवा बनाना सिखाऊंगी। इसे हम चूल्हा हम बंद कर देंगे, 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमारा घी तैयार हो गया है, अब इस ठंडा भी हो चुका है तो अब इसे हम छान लेंगे। हलवा बनाने के लिए पतीले के अंदर थोड़ा सा हम घी रहने देंगे। अब इसके अंदर मज़ीद आटा डाल देंगे। ये देखें नाज़रीन, हमारे घी कितना खूबसूरत तैयार हुआ है और कितनी प्यारी शक्ल हो गई है उसकी। ये वो आटा है जो मैंने घी गर्म करने के लिए डाला था घी के अंदर। तो इसके अंदर मैं जब मैंने इसे छाना था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी छोड़ दिया था। अब इसके अंदर मैं मज़ीद आटा डालूंगी, थोड़ा सा डाल के इसके साथ मज़ेदार सा हलवा बनाएंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्की हल्की आग पे इसे हम भूनेंगे। हमने मुसलसल चम्मच चलाना ताकि ये घी से लगे नहीं। अगर आपको लगे कि इसमें घी कम है तो आप इसके अंदर और भी घी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भूनना है हमने ताकि इसके आटे की खुशबू आना शुरू हो जाए।
से 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है। इसके अंदर मुझे घी कम लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा और घी डालूंगी और इसके साथ ही हम चीनी डाल देंगे। ये आधा कप मैंने चीनी ली है। इसे हल्की हल्की आंच पे इसे पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे, जो जल जाएगा नीचे से। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद ही हमारा हलवा इस शक्ल में आ चुका है। और इसको अच्छे से इतना भूनिएगा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है और इसके हम अंदर डाल देंगे ये मेवे और खोपरा डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी। हमारा खट्टा मीठा हलवा तैयार हो चुका है। मैंने इसके अंदर मेवे और खोपरा भी डाला था और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। आज हमने मक्खन के साथ 2 डिशेज़ बनाई हैं, जैसे घी भी बनाया और उसके बाद मैंने आपको हलवा भी बनाना सिखाया। यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।